bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students i am your science teacher today our topic of biology is classification aims and principle of biodiversity in this topic we will discuss the following points which are written in the context intro of this topic is main points in the introduction we will learn about how many animals and plants types are known कितनी एनिमल्स और प्लांट्स की जो टाइप्स हैं वो अभी तक जो हैं वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गए हैं डाटा कलेक्ट हो गए हैं और फॉलोइंग जितनी वर्किंग है वो हो गई तो तो है तो 1.5 मिलियन जो टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स अननाउन टू बायोलॉजिस्ट हैं और इन एनिमल्स में जो रेंज है वो यूनी सेलूलर मीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज तक सारे ऑर्गेनिजम्स पे वर्किंग किया जा रहा है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट हैं इनका वर्किंग इनके लिविंग इनका वॉकिंग इनका रिप्रोडक्शन डि, प्रोसेस डिफरेंट है सबके और ये किस तरह एग्जिस्ट करते हैं इन्वामेंटल कंडीशन में किस तरह अपने प्लेस में लिव करते हैं ये सारा ऑर्गेनिज़म्स के डिफरेंट हैं नेक्स्ट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन मेन जो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है डिवीजन तो हमारा एम एम का मतलब है मकसद मकसद क्या है हमारा तो इस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स दोनों ये जो टर्म्स हैं दीज आर टू मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू सो यू हैव टू लर्न दीज बोथ टर्म्स एज अ डेफिनेशन एंड मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कि हमने सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो भी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हैं उनको पॉइंट आउट करना है उनको डिस्कस करना है इन द एंड द सेकंड एम वॉज कि हमने इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिस्कस करना है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है ये ऐसे है जैसे आ, हम जनरेशन है हमारी जनरेशन जो चल रही है हम बैक जाएं तो हमारे पेरेंट्स हैं उससे बैक जाएं उनके पेरेंट्स हैं देन उनके पेरेंट्स हैं ये ऐसे एक पॉइंट है जहाँ से लाइफ एग्जिस्ट हुई है और ये पूरा एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये वाला एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनेटिक भी कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं एवोल्यूशनरी ट्री भी कहते हैं और इसके ऊपर डार्विन ने बहुत अच्छी थ्योरी भी एक प्रेजेंट की थी जो कि हम टेंथ की बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इज़ द टेक्सोनी एंड सिस्टमेटिक टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक में मेन डिफरेंस यही है कि जो सिस्टमेटिक्स है उसमें हमने एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है एवोल्यूशन ये वर्ड एवोल्यूशन जो है ये चेंज क्या डिस्कस कर रहा है कि चेंज जो भी लाइफ में चेंज आ रहा है फॉर सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ ये सारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं हम सिस्टमेटिक्स में टेक्सोनोमी में हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करते मेन डिफरेंस दोनों में ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है जो क्लासिफिकेशन मीन्स जो हमने डिवीन की है उसकी बेस क्या है कौन सी जो बेस है कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिजम्स को उनके अंदर मौजूद सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे क्लासीफिके क्लासिफाइड कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट इसकी एग्जांपल है स्पैरोस पिजन्स इंसेक्ट्स बायोलॉजिस्ट ने नोट किया कि स्पैरोज एंड पिजन्स आर मोर सिमिलर इनका फीडिंग प्रोसेस सेम है इनका फ्लाइंग प्रोसेस सेम है इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है एज़ कंपेयर टू इंसेक्ट्स उन्होंने इसके ऊपर सारी रिसर्च की और फिर एंड पे ये कंक्लूड किया कि स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स पिजन्स कहते हैं कबूतर को कि भाई स्पैरो और पिजन्स एक फैमिली से बिलोंग रखते हैं क्योंकि इनका जो सिमिलरिटीज़ है वो ज़्यादा नियरली क्लोज है एज़ कंपेयर टू इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स में इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है इनमें सिमिलरिटीज नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सोनमिक हेरजी टेक्सोनमिक हेरजी एक्चुअली इसमें हम ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी तक नाउन हो गए हैं बायोलॉजिस्ट ने उनको डिस्क्राइब किया एक्सपेरिमेंट किया डाटा कलेक्ट किया उनको हमने डिवाइड कर दिया ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवीजन कर दिया हमने ऑर्गेनिज़म्स की लार्जेस्ट जो ग्रुप उन्होंने रखा है वो रखा है किंगडम एंड एंड दैन नेक्स्ट सो ओन ग्रुप्स के नाम देते गए हैं और ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट्रिस्टिक्स हम रखते गए हैं इस पूरे जो स्ट्रक्चर हैं या इस पूरे जो फ्लो चार्ट है इसको हम कहते हैं टेक्सोनिक हर जी दैट इज़ वाई वी विल से फॉर्म अ लेडर लेडर इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट जो डिवीज हैं ग्रुप्स हैं उनको एक लेडर फॉर्म दे दिया कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप किंगडम है दैन फाइलम है इस तरह सारा जो है लेडर फॉर्म टेक्सोनमिक को रिप्रजेंट किया है सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का वो किंगडम है ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया टेक्सोनिक रैड जी कि यू हैव टू तो लर्न इट बाय हार्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन और लर्न बाय हार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींगस एज वेल एज पी पी और ह्यूमन बींग्स की आपने क्लासिफिकेशन को मस्टली लर्न करना है ह्यूमन बींग्स की जो क्लासिफिकेशन है ये जो ब्लैक पॉइंट uh, uh, से लिखे हुए एनिमेलिया को डाटा मेमेलिया प्राइमेड होमनीडियाई होमो होमोसेपियंस दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज फॉर एग्जाम्स क्या हैं कितने एनिमल्स अभी तक नाउन हो गए वन पॉइंट फाइव मिलियन प्लांट्स कितने नाउन हो गए हैं जीरो पॉइंट फाइव मिलियन एंड टेक्सोनोमी में हम किसकी स्टडी करते हैं ऑप्शन ए इज़ राइट सिस्टमेटिक्स uh, में हम कौन सी स्टडी uh, करते हैं टू स्टडीज़ करते हैं क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देन साइंटिफिक नेम ह्यूमन और पी का स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूड इन योर सिलेबस सच एज फ्रॉक मस्टर्ड प्लांट ह्यूमन पी अभी तक ये चार आए हैं जिनका साइंटिफिक नेम आपको आने चाहिए एंड पी um, कहते हैं मटर को और पीजम सेटिवियम इसका साइंटिफिक नेम है इम्पोर्टेंट एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ये फोर है वैन यू लर्न दिस स्लाइड यू इजीली आंसर दिस क्वेश्चन सो प्लीज़ लर्न इट बाई हार्ड ओके स्टूडेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़ फ़ीमान एंड थैंक यू सो मच